बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा जाता है, शर्मगाह को चूमना तो हराम है, मकरूह है, लेकिन शर्मगाह के इर्द गिर्द जो जगह होती है, जैसे कि ज़ेरनाह बाल काटने की जगह या फिर इसके अलावा पेट राने का, इनको इंसान चूम सकता है बीवी शोहर के या शोहर बीवी के, तो क्या इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे क्या शरीयत मुताहरा के अंदर इस बात की इजाज़त है या नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पर न्यू देख रहे हैं हमें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। देखिए, ये तो बात पक्की और कन्फर्म है, शर्मगाहों को, चाहे वो शोहर बीवी की हो, बीवी शोहर की हो, इसको चूमना चाटना शरीयत मुताहरा के अंदर जायज़ नहीं है, ये मकरूह है, हराम है। और आज इस बात को साइंस भी मान चुकी है कि जो इंसान ये हरकत करता है उसको कैंसर जैसा मर्ज लाहिक हो सकता है। चाहे कि मगरबी लोग इस चीज़ को करते हैं, यूरोप के अंदर लोग, लेकिन उनके जो डॉक्टर हैं वो इस चीज़ से मना करते हैं। और हमारे और आपके आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि इस तरह की हरकत करना कि उसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हाँ, इसके इर्द गिर्द जो जगह होती है, जैसे राह जो बालों की जगह है, इसके अलावा जो पेट है और जो राने हैं, शर्मगाह के अलावा इर्द गिर्द की जगह है, उसको चूमना, मुँह लगाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। तो शर्मगाहों को मोह में लेना, चाहे वो शोहर बीवी क्यों, बीवी शोहर को, इस चीज़ की हुरमत बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मसला इसी तरह समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।